बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा का अगला चुनाव महागठबंधन के घटक दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दारी उन्मूलन का कानून श्री बाबू ने पास कराने का काम किया बिहार के गरीब लोगों के हित को देखते हुए। मुझे अच्छी तरह याद है जब देवघर के मंदिर में दलित भाइयों का प्रवेश पर रोक था, हाथ खड़ा कर दिया था उस समय के प्रशासन ने, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने समय तय किया, मैं फला दिन आ रहा हूँ, और उन्होंने दलित भाइयों का उस दिन प्रवेश कराया, लाख वहाँ के पंडों के विरोध के बाद। तो ऐसे थे श्री बाबू। कई घटनाएँ मैं कह सकता हूँ, जब सीमा आयोग में उनको बिहार का पक्ष रखना था, उस समय बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री बीसी राय साहब भी बड़े आदमी थे, और किशनगंज और टाटा जैसे जगह को बंगाल अपने सीमा रेखा में रखना चाहता था, तो उन्होंने साफ तौर पर नेहरू जी के सामने कहा था कि जनता कोई शतरंज की गोटी नहीं जिसे आप इधर से उधर रख दीजिए और जनता उसको एक्सेप्ट करे। तो कई घटनाएं हैं जिसको हम लोग याद करते हैं श्री बाबू के व्यक्तित्व में के बारे में, और बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। एक सवाल, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसी मामले पर जेडीयू प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि अभी जेडीयू का और पूरे इंडिया गठबंधन का एक ही मिशन है, 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाना है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी मेरा भतीजा है, बच्चा है, और जेडीयू राजद दोनों साथ में है। उन्होंने कहा कि अभी 2024 सामने है, इसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। देखिए, देश में सबसे बड़ी बात है कि देश के सामने बड़ी चुनौती है, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो चुनौती है, और इसमें जनता दल यू से लेकर के इंडिया गठबंधन के सारे लोग एक ही मिशन, एक ही मकसद में लगे हैं कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत कैसे बनाए। और बिहार में जो जिस बयानों को लेकर के जो है तोबा अभी मचा हुआ है, तो नीतीश कुमार जी का बयान बिल्कुल साफ है। चूंकि इस बीच में कयास पर कयास लगाए जा रहे थे और कुछ मीडिया के द्वारा इसका गलत प्रचार हो रहा था, किया जा रहा था मोतिहारी को बयानों के लेकर के कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई दोस्ती नहीं चाहते हैं, हम तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और बिहार से जो महागठबंधन बना है जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में दिख रहा है हम उसके साथ हैं, वो हमारा सीधा सवाल है। 25 में तेजस्वी को बनाने की बात कांग्रेस करे, क्या जदयू समर्थन करेगी कांग्रेस की? अभी सीधा अभी जो है, अभी तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो तेजस्वी मेरा भतीजा है, बच्चा है, यानी जनता दल यू और आरजेडी दोनों साथ में है, जो गठबंधन है बिहार में पहले महागठबंधन बना, अब इंडिया गठबंधन के रूप में दिख रहा है, तो हम लोग अपने गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ है, और हमारा मिशन 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है, और बीजेपी से किसी तरह का कोई लाई लपटाई दोस्ती का सवाल का पैदा ही नहीं। 25 में तेजस्वी, वो तो जब 25 आएगा तो 25, अभी तो सामने 24 है, हम तो अभी 24 की बात करेंगे। लेकिन 25 को लेकर ही अभी 24 के बाद 25 होगा, पहले 24 की बात करेंगे, 24 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, फिर जो हमारा गठबंधन तय करेगा हम लोग आपस में उस पर बात करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव जितेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अच्छी बात है और 2024 के लोकसभा चुनाव पर इंडिया गठबंधन बैठकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनका बयान आया कि 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन इसका कहना है 2024 का अगर लोकसभा चुनाव लड़ी जाए
तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना होगा, इस तरीके से इंडिया ऐलान। अखिलेश भी आप बड़े भाई हैं, समझे ना, उन्होंने अगर तेजस्वी जी के बारे में बोले तो बहुत अच्छी बात है। और राहुल जी की जहां तक बात आई तो कहीं एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के कहने से नहीं होगा, इसका नेतृत्व महागठबंधन के सभी नेताओं ने करेगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी मामले पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मधु अंजलि ने कांग्रेस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा ताकि बिहार का विकास हो सके। कांग्रेस के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 2000 जो अगला विधानसभा का चुनाव है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नेतृत्व है पूरे बिहार में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, इनको माना भी जाता है और आज पूरे बिहार ने मान लिया है कि जो बिहार का नेतृत्व जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी अच्छे से संभाल सकते हैं। एक युवा नेतृत्व, युवा सोच, युवा जोश की भी जरूरत है क्योंकि बिहार को नए सिरे से नए जगह ले जाने के लिए, नए दिशा दिखाने के लिए एक जो है युवा जरूरत है कि युवा नेतृत्व का चुनाव है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सिर्फ नेतृत्व राहुल गांधी ही रहेंगे और वही पीएम कैंडिडेट उनसे अपने पार्टी के दूसरे पार्टी वही पीएम कैंडिडेट। तो क्या ऐसे में राजद कैसे देखिए? नहीं देखिए, ऐसे आज तक आप देखिएगा कि कभी भी जो है पीएम फेस लेकर के कांग्रेस हो या तो गठबंधन हो, ये गठबंधन पीएम फेस लेकर के कभी नहीं, मतलब पीएम फेस को आगे कर करके कभी पहले इलेक्शन होता है उसके बाद पीएम फेस मतलब लिया जाता है। अभी कोई ऐसा नहीं, कहीं से कोई ऑथेंटिक नहीं आया कि फलाना पीएम फेस की बात है। और राहुल गांधी तो हमेशा बोलते हैं कि देश को बचाना है, देश के लिए काम करना है, देश की लड़ाई लड़नी है, पीएम की लड़ाई लड़ने। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व का स्वीकार हुआ, जो वहां से जो निर्णय आएगा वो हमारे लिए सर्वमान होंगे। और जब राहुल गांधी हो या तो नीतीश कुमार जी हो या तो कोई और भी, इंडिया गठबंधन का, देखिए इंडिया गठबंधन अभी फेस पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, इंडिया गठबंधन देश बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बराबरी की लड़ाई लड़ रही है, पिछड़ा की लड़ाई लड़ रही है, कृषि की लड़ाई लड़ रही है, उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया गठबंधन अभी पीएम फेस की लड़ाई अभी नहीं है। जब पीएम फेस की बात आएगी तो जहां शीर्ष नेतृत्व में बोलेंगे कि जिनको पीएम फेस बनना चाहिए हम सब उनके साथ हैं, जिनके साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे, हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे भी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद को लालू के यहाँ गिरवी रख चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई नेता है ना ही कोई नीति है, कांग्रेस के सभी लोग लालू जी पालकी धोने वाले लोग हैं। कांग्रेस के नेता अपने बेटी बेटा को सेट करने के लिए लालू जी के यहाँ सेट हो चुके हैं, कांग्रेस अब बस नाम की पार्टी रह गई है। कांग्रेस तो बहुत पहले से, बहुत वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के पास सरेंडर कर चुका है। लालू जी के यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने को गिरवी रख दिया है। जो लालू जी तय करेंगे वो गलत क्या बोले हैं, जो सत्य है वो सामने आ गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने ही वाले हैं। कांग्रेस में कोई नेता है, कोई नीति है, कोई नेतृत्व करता है, न देश में है न कोई राज्य में है, ये सबके सब तेजस्वी यादव के पालकी ढोने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव के पालकी ढोकर चाहते हैं कि ये चुनावी बैतरनी पार कर लें, बेटा बेटी को सेट कर लें। कांग्रेस में तो बेटा बेटी का जमाना है, तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता अपने बेटा बेटी को सेट करने के लिए तेजस्वी यादव का गुणगान करते हैं। पार्टी को इन लोगों ने गिरवी रख दिया है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो अब नाम की पार्टी रह गई है, देश भर में नाम की पार्टी रह गई है, बिहार में तो गिनती के लोग रह गए हैं। बिहार में इन लोगों ने पार्टी को गुलाम कर रखा है, कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के हाथ। मीडिया के रवैये से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज है। पटना में मीडिया के सामने ही सीएम नीतीश ने तमाम मीडिया को लताड़ा है और साफ कहा कि बीजेपी पर दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं सुशील मोदी पर भी सीएम नीतीश हमलावर नजर आए। हम वैसा कुछ नहीं बोले थे, आप जरा ले लीजिए, जो आपके अधिकार वहाँ पर था उसे पूछ लीजिए बेचारे से, मेरा भसनमा ले लीजिए। भाषण क्या था? अरे हम बोल रहे थे, हमको ऐसा भाषण नहीं, हम तो याद कराते हैं लोगों को कि अपने अपने बिहार के लिए कितना काम किया गया और कितना अच्छा जगह, हम जगह का प्रतिष्ठा देते हैं। तो इसीलिए सब बात थी, हमने कोई पार्टी वाटी की बात नहीं की थी, हम तो बिहार के हित में बोल रहे हैं कितना अच्छा काम बिहार में हो रहा है।
अब बोल दीजिए जगह कैसी है, आज भी आप सुन रहे थे भाषण बापू का महात्मा गांधी का, यहीं से शुरू किए और सब वहां भी बता दिए थे कि यहीं से उन्होंने शुरू किया था 17 में। अब समझिए कितना बड़ा चीज हुआ और मात्र 30 साल में देश आजाद हुआ। तो जो कुछ भी किए थे बिहार में वहीं से चंपारण इलाके से और देश भर आजाद हुआ, ये सब हम सबको बता रहे थे। ये सब कुछ सब छापे हैं आप लोग, कुछ नहीं कोई छापेगा। हम कह देंगे कि भाई आप अरे हम कह रहे थे भूलो मत, याद करो। सर आप इतना विकास कार्य कर रहे हैं लेकिन आप पर इतना पर्सनल अटैक क्यों कर रही है ऑपोजिशन? जाने दीजिए, करने दीजिए, जिसको जितना अटैक करना है करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग रात दिन काम करते हैं, आप देखते हैं एक एक चीज के बारे में। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तुरंत वहां पर देखते हैं, तुरंत हम मीटिंग करते हैं, एक एक चीज हम लोग पूछ लीजिए सारे अधिकारियों से, सारे मंत्रीगण से, उप मुख्यमंत्री। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो, जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।